हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा, ये कृषि अभियंत्रण है और कृषि अभियंत्रण का ये पहला वीडियो है, पार्ट वन है। आपको बता दें, ये कृषि अभियंत्रण का पार्ट वन है। इस पार्ट वन में हम टोटल 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 50 क्वेश्चन कृषि अभियंत्रण के सॉल्व करेंगे। ये आपका यूपी कैडेट के एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस भी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन है, बिकती हल्की हसीस हरीस बनी होती है। जो बिकती हल है इसकी हरीस बनी होती है किस चीज़ की? तो डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताऊंगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना आंसर लगाइए, उसके बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चलूँगा। बिकती हल्की हसीस जो बनी होती है वो बनी होती है मृदु इस्पात की। यानी पहला वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी? मृदु इस्पात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है? देखिए, ए ऑप्शन है डिस्क हल, बी ऑप्शन है कल्टीवेटर, सी ऑप्शन है बिकती हल और डी ऑप्शन है साबास हल। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है? तो इसमें आंसर, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा कल्टीवेटर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ए ऑप्शन है शकरकंद, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है आलू, डी ऑप्शन है चना। एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत है। तो इसमें हम जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा चना। चने की फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस वीडियो के 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, टोटल हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दो हत्ते वाला हल नहीं है? देखो पूछ रहा है आपसे, दो हत्ते वाला नल नहीं है। ए ऑप्शन है प्रजा हल, बी ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल, सी ऑप्शन है विक्ट्री हल और डी ऑप्शन है यूपी नंबर 2 हल। तो जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दो हत्ते वाला हल नहीं है, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रजा हल। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हलतल को संतुलित करता है। ए ऑप्शन है फार की नोक, बी ऑप्शन है फार की धार, सी ऑप्शन है पंखा और डी ऑप्शन है दाब रोधी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ये बात करें तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब रोधी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। गेज बिहिल का क्या कार्य है? क्वेश्चन कह रहा है, गेज बिहिल का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है मिट्टी को पलटना, बी ऑप्शन है कूड़ को काटना, सी ऑप्शन है हरी खाद को पलटना और डी ऑप्शन है गहराई को नियंत्रित करना। तो गेज बिहिल का क्या कार्य है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो गेज बिहिल जो कार्य होता है वो होता है गहराई को नियंत्रण करना। यानी जो इसका डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। एक बात आपको बता दूं, इसकी जो PDF है वो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है यूपी कैडेट के व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी वाले नोट्स हैं वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। थ्योरी वाले नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे और ये जो PDF है ये भी PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो इस बात से आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर तैयारी अपनी करिए यूपी कैडेट की। चलिए अगला क्वेश्चन, नट व बोल्ट बने होते हैं किसके?
ए ऑप्शन है पिटवा लोहा, बी ऑप्शन है दूत्र सीतित ढलवा लोहा, सी ऑप्शन है मृत इस्पात और डी ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात। तो एक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, वो आपको बताना है। नट व बोल्ट बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नट व बोल्ट बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ देख लीजिए, यूपी नंबर दो हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। ए ऑप्शन है 1 मिमी, बी ऑप्शन है 2 मिमी, सी ऑप्शन है 3 मिमी और चार ऑप्शन है 4 मिमी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूपी नंबर दो हल्का ऊर्ध्वाधर जो झुकाव होता है वो होता है 3 मिमी, सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नवे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुताई की रह जाती है। ए ऑप्शन है पंजाब हल से, बी ऑप्शन है देसी हल से, सी ऑप्शन है तबेद हल से और डी ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल से। एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुताई के रह जाती है, कौन से हल से, तो वो हो जाएगा देसी हल से, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये पेज थोड़ा हल्का सा है तो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ठीक है। ये क्या लिखा है, बखखर हल है, मक्खर हल है, देखना पड़ेगा ये क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है, कब घुसता है। ए ऑप्शन है हल के भार के कारण, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण, सी ऑप्शन है फार की धार के कारण और डी ऑप्शन है क्षैतिज झुकाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 आपके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सीड बॉक्स में बीज को हिलाने डुलाने का कार्य किया जाता है। ए ऑप्शन है रेचिट, बी ऑप्शन है क्लच के द्वारा, सी ऑप्शन है लीवर के द्वारा, डी ऑप्शन है ब्लोडक के द्वारा। एक ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। सीड बॉक्स में बीज को हिलाने डुलाने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है बेटा ब्लोडक के द्वारा, यानी इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अकोला जो बैलों से चलाया जाता है उसमें खुरपों की संख्या होती है कितनी। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए, अकोला जो बैलों से चलाया जाता है उसमें खुरपों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मोर्चो अवरोधी बनाने के लिए स्टील के डिब्बों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन है सीसा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है एंटमनी और डी ऑप्शन है टिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम 14वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन, क्या हो जाएगा, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कैसीटेराइड किस धातु का अयस्क है। क्या कह रहा है, कैसीटेराइड किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है टिन, सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है मैंगनीज। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही है उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कैसे
कैसीटेराइड किस धातु का है? इसके तो वो हो जाएगा टिन का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें वो है टिन का गलनांक होता है तो टी का गलनांक कितना होता है? ए ऑप्शन है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, 332 डिग्री या फिर 132 डिग्री या फिर 223 डिग्री। टिन का गलनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र बहुउद्देशीय यंत्र है? अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा यंत्र बहुउद्देशीय यंत्र है? ए ऑप्शन है शाबाश हल, बी ऑप्शन है हो, सी ऑप्शन है देसी हल, डी ऑप्शन है पंजाब हल। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा यंत्र बहुउद्देशीय यंत्र है? तो देसी हल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? देसी हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर क्वेश्चन में है किस प्रकार की फाल में गनेल होता है? किस प्रकार की फाल में गनेल होता है? ए ऑप्शन है सिनफार, बी ऑप्शन है स्लिप फार, सी ऑप्शन है सीधा फार और डी ऑप्शन है छड़ फार। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, किस प्रकार की फाल में गनेल होता है? आंसर के साथ जाएंगे हम बी, स्लिप का, स्लिप फार। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन समझिए, किस प्रकार के हल में स्लिप नोज पर प्रयोग किया जाता है? स्लिप नोज फार प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के हल में स्लिप नोज फार प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है पंजाब हल, बी ऑप्शन है प्रजा हल, सी ऑप्शन है केयर हल और डी ऑप्शन है यूपी नंबर 1। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है, किस प्रकार के हल में स्लिप नोज फार प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जाएंगे हम ए ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा? पंजाब हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब हल में फार किस लोहे का बना होता है? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजाब हल में जो फार है वो किस लोहे का बना होता है? ए ऑप्शन है दुत्र शीतित ढलवा लोहा, बी ऑप्शन है ढलवा लोहा, सी ऑप्शन है मृदु केंद्र इस्पात और डी ऑप्शन है पिटवा लोहा। तो करेक्ट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृदु केंद्र इस्पात। क्या हो जाएगा? मृदु केंद्र इस्पात, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस लोहे से बनी दाब रोधी सबसे अच्छी दाब रोधी होती है? किस लोहे से बनी दाब रोधी सबसे अच्छी दाब रोधी होती है? ए ऑप्शन है ढलवा लोहा, बी ऑप्शन है उच्च कार्बन युक्त इस्पात, सी ऑप्शन है दूत्र सीते ढलवा लोहा और डी ऑप्शन है मृदु इस्पात। तो जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किस लोहे से बनी दाब रोधी सबसे अच्छी दाब रोधी होती है? इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, दुत्र सीतित ढलवा लोहा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मेस्टर हल्के मोल्ड बोर्ड की लंबाई होती है, मेस्टर हल्के मोल्ड बोर्ड की लंबाई होती है। ए ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 38 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 58 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम मेस्टर हल्के मोल्ड बोर्ड की लंबाई की बात करें तो इसका हम इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो समझिए इसे, मटियार दोमट भूमि की जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है? मटियार दोमट भूमि की जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मेस्टल हल, बी ऑप्शन है प्रजा हल, सी ऑप्शन है शाबाश हल और डी ऑप्शन है यूपी नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस हल में दाबोदी नहीं होता, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रजा हल। क्वेश्चन 24 आपके हो चुके हैं, आगे चलते हैं, आगे समझिए। किस हल का फार बी आकार का होता है, देखिए ये दे रखा है बी आकार का होता है, किस हल का फार बी आकार का होता है, ए ऑप्शन है पंजाब हल, बी ऑप्शन है यूपी नंबर 1, सी ऑप्शन है यूपी नंबर 3 और डी ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 में किसके साथ जाएंगे आप, किस हल का फार बी आकार का होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा टर्न रेस्ट हल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल, बी ऑप्शन है विक्ट्री हल, सी ऑप्शन है यूपी नंबर 2 और डी ऑप्शन है मेस्टन हल। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल, क्या हो जाएगा टर्न रेस्ट हल। चलते हैं आगे ले आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है गेज बिहिल का कार्य होता है, गेज बिहिल है इसका कार्य होता है, ए ऑप्शन है हल को सहारा देना, बी ऑप्शन है मिट्टी को पलटना, सी ऑप्शन है हरी खाद को झुकाना और डी ऑप्शन है गहराई को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 27, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गेज बिहिल का कार्य होता है, इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गहराई को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कूड़ की दीवार के विरुद्ध हलतल को सहारा देती है, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हलतल को सहारा देती है, ए ऑप्शन है फार, बी ऑप्शन है गनैल, सी ऑप्शन है पंखा, डी ऑप्शन है कोल्टर, डी ऑप्शन क्या है कोल्टर। क्वेश्चन नंबर 28, इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या है बी ऑप्शन गनैल, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हलतल को सहारा देती है, गनैल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वीडियो को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपने यूपी क्रेडिट की अच्छे से तैयारी कर सके। हल्का परिमाण होता है, ए ऑप्शन है फार की नोक से दाबरोधी तक दूरी, बी ऑप्शन है फार की पंख से दाबरोधी तक लंबवत दूरी, सी ऑप्शन है फार की धार से दाबरोधी तक की दूरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, फार की पंख से दाबरोधी तक लंबवत दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां भी देख लीजिए, बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कूड़ को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है खुला कूड़, बी ऑप्शन है पृष्ठ कूड़, सी ऑप्शन है कूड़ और डी ऑप्शन है कूड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा खुला कूड़। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को समझिए, भीतर से बाहर की तरफ जुताई करते समय जो पहली कूड़ बनती है उसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है पृष्ठ कूड़, बी ऑप्शन है कूड़, सी ऑप्शन है खुला कूड़ और डी ऑप्शन है कूड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। देखिए भीतर से बाहर की तरफ की बात कर रहा है, जुताई करते समय पहली कूड़ क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पृष्ठ कूड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भार की नोक तथा दाब रोधी की पेदी के लंबवत झुकाव को कहते हैं। भार की नोक तथा दाब रोधी की पेदी की लंबवत झुकाव को कहते हैं। ए ऑप्शन है क्षैतिज झुकाव, बी ऑप्शन है खड़ा झुकाव, सी ऑप्शन है विंग बेयरिंग और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा खड़ा झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पंजाब हल्के हत्ते में प्रयोग होता है, पंजाब हल्के हत्ते में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है इसमें वो है कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात, सी ऑप्शन है मृदु इस्पात और डी ऑप्शन है मृदु केंद्र इस्पात। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मृदु इस्पात। क्या हो जाएगा? मृदु इस्पात। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है लकड़ी की हरीश प्रयोग होती है, लकड़ी की हरीश प्रयोग होती है। ए ऑप्शन है विक्ट्रियल, बी ऑप्शन है टर्नरेस्ट हल, सी ऑप्शन है पंजाब हल और डी ऑप्शन है यूपी नंबर 2 हल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, इसमें हो जाएगा पंजाब हल। क्वेश्चन नंबर 35 भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है। क्वेश्चन है सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है, ए ऑप्शन है केयर हल, बी ऑप्शन है यूपी नंबर 1, सी ऑप्शन है टर्न रेस्ट हल और डी ऑप्शन है विक्ट्री हल। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्ट्री हल, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्लास आपको रात 9 बजे मिलेगी रोजाना, ठीक है, रात 9 बजे डेली मिलेगी आपको ये क्लास, यूपी कैडेट की क्लास है ये, रात 9 बजे रोजाना आपको डेली मिलेगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। अगला क्वेश्चन है पिर्जा हल्का क्षैतिज झुकाव होता है, पिर्जा हल्का क्षैतिज झुकाव होता है। ए ऑप्शन है 6 मिमी, बी ऑप्शन है 5 मिमी, सी ऑप्शन है 3 मिमी और डी ऑप्शन है 2 मिमी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पिर्जा हल्का जो क्षैतिज झुकाव है वो हो जाएगा 3 मिमी। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, बाह हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है, बाह हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। ए ऑप्शन है 1 मिमी, बी ऑप्शन है 2 मिमी, सी ऑप्शन है 3 मिमी और डी ऑप्शन है 4-5 मिमी। तो बाह हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 3 मिमी, इसका भी 3 मिमी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए 38वां देखिए, 38वां क्वेश्चन कह रहा है पंजाब हल्का खिंचाव होता है, जो पंजाब हल है उसका खिंचाव होता है। ए ऑप्शन है 80 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 120 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 140 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 165 किलोग्राम। तो पंजाब हल्का खिंचाव होता है, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो पंजाब हल्का जो खिंचाव होता है वो होता है 140 किलोग्राम, कितना होता है 140 किलोग्राम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 समझिए, किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है टर्नरेस्ट हल, बी ऑप्शन है पंजाब हल, सी ऑप्शन है विक्ट्री हल, डी ऑप्शन है रिज मेकर। तो 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 39 इसका राइट आंसर क्या होगा। किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
रिच गेज पीडीएफ की टेंशन मत लो, पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, इसकी पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। और जो थ्योरी वाले जो नोट्स हैं, थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं, वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप इस बात की चिंता ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते हुए चलिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है? कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है? ए ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर को देखेंगे, 50 क्वेश्चन पे वीडियो को एंड कर देंगे। 50 क्वेश्चन ही है, रोजाना 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हो है जिसे चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है? निम्नलिखित में से कौन सा हो है जिसे चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है? ए ऑप्शन है पहियेदार हो, बी है पैड़ी बीडर, सी है शर्मा हो और डी है अकोला हो। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकोला हो। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण यंत्र नहीं है? देखो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र नहीं है? ए ऑप्शन है देसी हल, बी ऑप्शन है कानपुर कल्टीवेटर, सी ऑप्शन है अकोला हो और डी ऑप्शन है बाबा हो। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीय भू परिष्करण यंत्र नहीं है, तो बाबा हल नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 43वां क्वेश्चन समझिए। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 12। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में जो फारों की संख्या होती है वो होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है? अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है, तो नहीं वाला आपको पकड़ना है। ए ऑप्शन है नमी का संरक्षण, बी ऑप्शन है मिट्टी को पलटना, सी ऑप्शन है खरपतवार का उन्मूलन, डी ऑप्शन है मिट्टी का ब्लोडन। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्य कल्टीवेटर का नहीं है तो मिट्टी को पलटना नहीं है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बाह्य बाह्य सीनियर कल्टीवेटर में फारों की संख्या होती है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, तो बाह्य बाह्य सीनियर कल्टीवेटर में फार की संख्या है वो हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी हैरो की किस्म नहीं है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है हैरो की किस्म नहीं है, ए ऑप्शन है डिस्क हल, बी ऑप्शन है खूटीदार हैरो, सी ऑप्शन है कमानीदार हैरो, डी ऑप्शन है निकोनी हैरो। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क हल। निम्न में से कौन सी हैरो की किस्म नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क हल। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का समझिए,
बागों में निराई गुड़ाई के लिए सबसे प्रमुख यंत्र है। बागों में निराई गुड़ाई के लिए सबसे प्रमुख यंत्र है। ए ऑप्शन है बाह कल्टीवेटर, बी ऑप्शन है डिस्क हैरो, सी ऑप्शन है कमानीदार हैरो और डी ऑप्शन है निकोनिया हैरो। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गन्ने की फसल में अंधी गड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है वो है पैडी बीडर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। खुरचनी का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है इसमें खरपतवार उखाड़ने के लिए, बी ऑप्शन है मिट्टी को पलटने के लिए, सी ऑप्शन है भूमि को समतल करने के लिए, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी खुरचनी है, खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो खुरचनी का प्रयोग किया जाता है कब, भूमि को समतल करने के लिए। किसके लिए, भूमि को समतल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 वो भी देख लीजिए आप। वीडियो को लाइक नहीं कराया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके जाना। रोजाना रात 9 बजे ये यूपी कैडेट की क्लास चलती है और जितनी भी वीडियो आपकी छूट चुकी हैं, जो भी आपने नहीं देखी हैं, वो आप क्या करना है आपको, आप जाइए और मेरे चैनल पे यूपी कैडेट के प्लेलिस्ट पे जाइए। किस पे जाना है आपको, यूपी कैडेट के प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है। यूपी कैडेट के प्लेलिस्ट से सारी वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट में लगभग आपके 5 सब्जेक्ट करा चुका हूँ, 6ठा सब्जेक्ट है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितने नंबर के आएंगे, मैं सारे आपको कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, मतलब टोटल जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक सारे सब्जेक्ट में आपके करा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ए ऑप्शन है बीज बोने की गहराई, बी ऑप्शन है लाइन से लाइन की दूरी, सी ऑप्शन है बीज से बीज की दूरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। सीड ड्रिल के द्वारा कंट्रोल यानी नियंत्रित नहीं होती, तो वो नहीं होती है बीज से बीज की दूरी। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।